पानीपत में लघु सचिवालय के सामने कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नीट और जेईई की परीक्षाओं के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री बिजेंद्र सिंह ने दोनों ही परीक्षाओं पर सवाल उठाए। साथ ही प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने तुरंत प्रभाव से दोनों परीक्षाओं को स्थगित करवाने की भी मांग की। जो केंद्र की सरकार ने फैसला लिया कि भी बच्चों का जेईई का और नीट का एग्जाम लिया जाए, तो कांग्रेस इस बात का विरोध करती है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली हुई है और जो हालात आज इस बीमारी ने देश के कर दिए, तो हमारी ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि जिन बच्चों को कोरोना हो चुका वो या जो कोरोना संक्रमित है उनको मौका कब मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी बच्चे के अगर कैरियर को, किसी के कैरियर के साथ अगर सरकार खिलवाड़ करती है, तो भारत में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस बात को सहन करने वाली नहीं है। आज हमारे सब साथी, हम डटकर इस बात का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि जो केंद्र सरकार ने नीट और जेईई की परीक्षा लेने का फैसला लिया, इसको स्थगित किया जाए और जब ये कोरोना महामारी इस देश से चली जाए, तब उन बच्चों को एग्जाम के लिए बुलाया जाए।